हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ एक फिश रेसिपी। जो आप कोई भी फिश ले सकते हैं, लेकिन मैं फिश बनाऊंगी गोभी और आलू के साथ। आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं। और ये मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक, उसको पेस्ट नहीं बनाना है, उसको दरदरा कूटना है, इसीलिए मैंने इस तरह कूट लिया है। और ये मैंने टमाटर लिया है दो, और प्याज लिया है एक, और ये देखिए अदरक लहसुन का जो मैंने कूटा था वो है, और ये है थोड़ा सा गरम मसाला, और ये फूल गोभी और आलू के पीसेस जो मैंने काट के रखे हैं, और टमाटर लिया है, और फिश मेरे फ्राई हो चुके हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक दूसरे कढ़ाई ली हूँ और वो गरम हो चुके हैं, और वहाँ पे मैंने डाल दिया करीबन 3 चम्मच बराबर सरसों का तेल, और ये मैंने डाला है 30 पत्ता और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। अगर आप मसाला ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने प्याज डाल लिया, और जो अदरक लहसुन मैंने कूटा था वो भी डाल दिया। अदरक लहसुन मैंने इसीलिए कूटा है क्योंकि उसमें से अच्छा सा एक फ्लेवर आते हैं, और वो वो फिश के रेसिपी को और भी टेस्टी बनाते हैं। और ये मैंने डाल दिया है टमाटर, और ये सारे चीज़ें अच्छे से भूनना है। अगर आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो टमाटर डाल दिया, तो टमाटर को गलाने के लिए हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और इसे अभी हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर को अच्छे से गला लीजिए। ये देखिए मैं टमाटर को अच्छे से इसको गला रही हूँ, ये गल चुके हैं टमाटर, और टमाटर और प्याज के मसाले से ऑयल निकल आए हैं। और ये मैंने अभी मटर डाल दिया, मटर को 5 मिनट भून लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये डाला है फूलगोभी और आलू, और यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, और ये सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है इसको बहुत ही अच्छे से। और गैस को हम लो टू मीडियम कर रहे हैं, और ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था, और अभी देखिए ये आलू और गोभी अच्छे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और फिर से हमें 5 मिनट के लिए उसको ढकना है। और ये देखिए आलू और गोभी हमें पूरी तरह कुक नहीं करना है, नहीं तो वो बाद में टूट जाएंगे, और हमें टूटे हुए फूलगोभी या आलू की ज़रूरत नहीं है इस कढ़ी में। वो फूलगोभी और आलू ऐसे ही रहना चाहिए मोटे मोटे, और इसको हमें 70% उसको कुक करना है। ये देखिए बिल्कुल ये एकदम कुक नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। इसे अभी इसी टाइम पे हम लोग डालेंगे गरम पानी, हमें ठंडा पानी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, गरम पानी ही लेना है। और आपको जितना करी सही है आप उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा, मैंने इतना पानी डाला है। और अभी हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, और गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे उबल आ चुके हैं अच्छे से, ये देखिए। और अभी हम इसी टाइम यहाँ पे डालेंगे फिश की पीसेस, और अच्छे से संभाल कर डालिए, और उसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। देखिएगा कि फिश का जो पीस है वो ना टूटे, और इसे फिर से हमें 5 मिनट के लिए ढकना है। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये अभी हम यहाँ पे डाल रहे गरम मसाला,
यहाँ पे आप अगर लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया और जीरा के पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हम लोग मसाला थोड़ा कम खाते हैं तो इसीलिए मैंने कम मसाला यूज़ किया है, सिर्फ गरम मसाला ही यूज़ किया है। और ये देखिए अभी ये फूल गोभी बिल्कुल पक चुके हैं और अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया और ये अभी बिल्कुल रेडी है। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छा लगा है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए।